इंटरनेट संदेशों तक पहुंचने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। ये संदेशों को आपस में जोड़ने तथा एक दूसरे तक पहुंच बनाने में सहयोग करता है। पर जैसे कि अंकल बेन ने स्पाइडरमैन से कहा था, अधिक शक्ति के साथ अधिक जिम्मेदारियां भी आती हैं। ठीक उसी तरह खुद को सुरक्षित रखने के लिए इंटरनेट का उपयोग करने वाले व्यक्तियों को भी कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। इंटरनेट के हर एक उपयोगकर्ता का एक डिजिटल फुटप्रिंट होता है तथा उनके डेटा की एक निशानी भी होती है, जिसमें शामिल है वेबसाइट पर जाना, ईमेल भेजना तथा ऑनलाइन सेवा प्राप्त करने के लिए अपनी जानकारी प्रदान करना। जब एक बार आप कोई ऑनलाइन जानकारी या डेटा साझा कर देते हैं, तब इसका कोई प्रमाण नहीं होता कि आप उसे अपनी तरफ से नष्ट करने के बाद भी इंटरनेट से पूर्णतया खत्म करने में सक्षम हो। अगर उचित ध्यान ना दिया जाए तो हो सकता है कि बच्चे बहुत प्रकार के साइबर खतरे में पड़ सकते हैं। इंटरनेट पर बच्चों के लिए एक बड़ी समस्या है ऑनलाइन ग्रूमिंग। ऑनलाइन ग्रूमिंग एक प्रक्रिया है जिसमें यौन शोषण के उद्देश्य से अनजान लोग और यहाँ तक कि उनके जानने वाले लोग उनके साथ भावनात्मक जुड़ाव बनाते हैं तथा उनके विश्वास को जीतते हैं। अपराधी बच्चों को मोहित करने के लिए बहुत से तरीकों का उपयोग करते हैं, जिनमें प्रलोभन, फ्लटरिंग, सेक्सुअलाइज्ड गेम, आत्मीयता बनाना और डीसेंसिटाइजेशन अर्थात यौन सामग्री को दिखाना, धमकी देना, भय दोहन करना शामिल है। ये प्रक्रिया अपने अंतर्गत बहुत प्रकार के दूसरे साइबर क्राइम्स को समादिष्ट करते हैं, जैसे कि ऑनलाइन उत्पीड़न, साइबर धमकी, दूसरे के पहचान को चुराना, जासूसी करना तथा अपने झांसे में लेना शामिल है। इस वीडियो श्रृंखला में हम साइबर दुनिया से जुड़े कुछ समान समस्याओं, इतिहास तथा नियमों की जानकारी प्राप्त करेंगे।